हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स एंड इन दिस सीरीज़ वी आर डूइंग एमसीक्यूज़ इसमें हम पूरे एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करेंगे एंड नियरली 500 राइटर्स हम कवर करने वाले हैं इसमें तो आप लोग uh, 7:30 पर हर डे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल पर और आप लोगों को लिटरेचर से रिलेटेड आप लोगों को अगर अपना लिटरेचर स्ट्रॉन्ग करना है तो यहाँ पर हम तीन सीरीज अभी चला रहे हैं एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चला रहे हैं साथ ही साथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी एंड ये एम सीरीज है तो आप लोग अगर चैनल से जुड़े रहेंगे पूरे तौर पर हर दिन तो सेवन थर्टी पर आप लोग ज्वाइन कीजिए सेवन थर्टी पी पर और आप लोगों को लिटरेचर से रिलेटेड क्लासेस मिलती रहेंगे तो चलिए आज हम जॉन कीट्स के बारे में डिस्कशन uh, करेंगे ट्वेंटी एमसीक्यूज हम करने की कोशिश करेंगे देखते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना स्कोर तो शुरू करते हैं आज का एम सी क्यू इन 1860 जॉन कीट्स केम इन टू अक्वेंटेंस विद अठारह में जॉन कीट्स किससे uh, किससे मिले थे तो आपका आंसर है ले हंट से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका जॉन कीट्स पब्लिश हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री एंड went टू इसमें आपका आपके ऑप्शन है कि जॉन ओके इसका जो हिंदी होगा वो जॉन कीट्स अपना जो फर्स्ट वॉल्यूम उन्होंने पोइट्री का पब्लिश किया था उसके बाद वो कहाँ चले गए थे तो आपका इसमें आंसर है आयरलैंड जेनेवा लेक आइल ऑफ वा वाइट एंड बे ऑफ विस्के तो आपका जो आंसर है वो है आइल ऑफ वाइट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एटीन एटीन वॉज अर ऑफ ग्रीफ फॉर जॉन कीट्स बिकॉज हिज ब्रदर डाइड ऑफ कंज़प्शन पार्किसन डिजीज और हार्ट अटैक तो उनका एटीन एटीन में उनका ब्रदर की डेथ हो गई थी वो किस वजह से हुई थी तो आपका आंसर है कंजप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है एटीन एटीन जॉन कीट्स अदर ब्रदर लेफ्ट फॉर जो 1818 में उनका उनके जो ब्रदर थे वो कहाँ चले गए थे तो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं अमेरिका कनाडा ब्राजील और अर्जेंटीना आपका आंसर है अमेरिका नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इन 1820 जॉन कीट सफर्ड फ्रॉम अ हार्ट अटैक चिल और स्पैट ब्लड कोलेरा और नन दिस जो जॉन कीट्स थे उनको कौन सी बीमारी हो गई थी 1820 में चिल एंड स्पैट ब्लड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ जो जॉन कीट्स थे उनकी मृत्यु किस साल किस ईयर में हुई थी जो वो कितने साल के थे चौबीस बारह छब्बीस या 27? तो आप, आपका आंसर होगा ट्वेंटी सिक्स ईयर्स जॉन कीट्स डाइड इन जॉन कीट्स की जो मृत्यु हुई थी आपका आंसर है ट्वेंटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू जॉन वाज बरीड इन जो जॉन कीट थे उनको दफनाया गया था हाइट गेट ग्रेवयार्ड में कैथोलिक सिमिट्री में वेटिकन चर्च में या प्रोटेस्टेंट सिमिट्री में तो आपका आंसर है डी प्रोटेस्टेंट सिमिट्री में नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू

तो जो जॉन कीट्स का जो पोइटिक करियर रहा वो सिर्फ कितने साल का रहा तो ऑप्शन है तीन चार पाँच है आपका चार साल का सिर्फ चार साल की उनकी जो पोइटिक करियर है वो रहा जॉन कीट्स फादर केप्ट स्टेबल पब थिएटर और शॉप उनके पास स्टेबल मीन्स होता है घुड़साल या पब था उनके पास या थिएटर था या शॉप थी तो आंसर है उनके फादर के पास थी स्टेबल नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है हु अरोस्ड जॉन कीट्स लिटरेरी टैलेंट जो जॉन uh, कीट्स का लिटरेरी टैलेंट था टैलेंट थे वो किसने उनको आगे किया या उनको मोटिवेट किया तो आपका आंसर है गॉडविन क्लार्क सी नेक्स्ट गॉडविन क्लार्क वॉज जॉन कीट्स जॉन कीट्स का के क्या उनका रिलेशनशिप था फ्रेंड हेज मास्टर सन ब्रदर इन लो क्लास फेलो तो आपका आंसर है हेज मास्टर्स सन जॉन कीट्स सेट आई शेल बी अमंग द इंग्लिश पोइट्स आफ्टर माई कंप्लीटिंग एजुकेशन मैरिज डेथ नैन ऑफ दीज कि उन्होंने कहा था कि मुझे इंग्लिश पोइट्स के बीच में जगह मिलेगी लेकिन कब एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैरिज के बाद डेथ के बाद ये नन ऑफ दीज तो उन्होंने कहा था मेरी डेथ के बाद मुझे पोइट्स के बीच में जगह ज़रूर मिलेगी ही इज़ विथ शेक्सपियर हैज़ सेड इट अबाउट जॉन कीट्स जॉन कीट्स के बारे में ये किसने कहा था कि वो शेक्सपियर के बराबर हैं कौन से वो क्रिटिक थे सिडनी थे अनॉल्ड टी एस इलियट या बर्टिन रोसेल तो आपका आंसर है मैथ्यू अनोल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स फ्रेंड ब्राउन टेल्स लेकर बैलेट्स फेरी क्वीन या पैराडाइज लॉस्ट कि जो जॉन कीट्स के फ्रेंड थे उन्होंने कहा था कि जो उनका पोइटिक जीनियस था वो किस चीज से बाहर निकलकर आया तो आपका आंसर है फेरी फेरी क्वीन जॉन कीट्स वॉज इंट्रोड्यूस टू दार्डन ऑफ रोमेंटिक पोएट्री बाय चौस स्पेन्स वर्डवर्थ या क्रैप सेवेंटीन का आपका आंसर है स्पेन्सर नेक्स्ट इन जॉन कीट्स हाइपरियन द स्पिरिट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज विजिबुलेरी क्वीन इज विजिबल क्वीन मॉब इज विजिबल और नन ऑफ दीज एटीन एटीन का आपका आंसर है टाइम वेन द होल ऑफ यूरोप वॉज शेकन बाय तो जो पूरी पूरा यूरोप जो था वो किस चीज से घिरा हुआ था या किस चीज से भरा पड़ा हुआ था जबकि की जॉन कीट्स का जन्म हुआ था फेमिनाइन फ्लड आइडियाज ऑफ रिवोल्यूशन या सेक्टेरियन हॉर्स तो आंसर है आपका आइडियाज ऑफ रेवल्यूशन जॉन कीट्स अर्ली एक्सपेरिमेंट आर ओवरचार्ज्ड विद फैंसी इमेजरी रियलिज्म और नन ऑफ दिस तो जॉन कीट्स का जो अर्ली एक्सपेरिमेंटल जो उनका एज थी राइटिंग uh, में वो किस चीज से ओवरचार्ज थी तो आपका आंसर है बी इमेजरी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप लोगों ने ट्वेंटी में से कितने आ, आपके करेक्ट रहे आज के कल मिलते हैं सेवन थर्टी पर किसी नए पॉइंट के साथ में तब तक के लिए गुड बाय केयर सी यू नेक्स्ट वीडियो